कांग्रेस वाले बजट से बोलते मैं तरस आई जाता इन्हें तुम्हें तो बजट पेश किया ही नहीं पांच साल तुम तो डेपूटेशन से लियाए थे वित्त मंत्री नहीं तो इतों पहला आप जिक्र करते कि फलस्तीन दल्ला होंदिया सी बजट च इजराइल दल्ला होंदिया सी गाजा पट्टी दियाँ फ्रांस की क्रांति दियाँ अलामा इकबाल दियाँ मिर्जा गालिब दियाँ सू तो समझ ही नहीं आदियाँ सी ट्रेनिंग नीले वाले पासों हुई फिर पी फिर पीले वाले पास आए फिर चिट्टे रहे अजक भगवे वो पांच बजट पेश करके हो गया पंगा थोनू पा के दे जाओ जवाब हूँ बथेरा राजा अपने पिटिया ना दो इन्हों मने ही नहीं कहे उन्होंने बजट की स्पीच भी सुनी मैं वो शुरू ही लहू तो करते पंजाब की धरती लहू चाहती है लहू कितने चाहती है जी तेरा लहू बह लिया पंजाब जी कोई बजट की गल करो आ जिहड़ा पर कैपिटा ये लोगों गल करके देखो अद्धा घंटा बोली जाए अद्धे घंटे बाद लोग कहेंगे आ जो बोल लिया ठीक है मैनू ये दस मैं दिहाड़ी मिल जू कल आ बजट लोगों का यह बजट आम लोग आ फर्क वो कहते सी नाले तो सेंटर निंदते हो तो नाले सेंटर तो मंगते हैं स्पीकर साहब भीख मंगते हैं हक मंगते हैं सेंटर का फर्ज है बिना मंगे दे दे भी परमात्मा की कृपा न फसल वधिया हुई है इस बार आप आड़ती भी पैसे लाते करजा कोई नहीं है तो फिर मोटरसाइकिल लैके दे दे फिर तो कोई गल जे घर की रसोई भी करजा लेके चले फिर वो करजा दे देर नहीं चलता जी पहला रसोई ठीक करिए पहला पुराने लानेदारा का बिगाड़िया होया जिहड़ा सिस्टम है उन्होंने ठीक करिए बड़ा शानदार बजट मैं तारीफ करनी चाहूँगा हालांकि पेशे वजो वकील ने पर वित्त मंत्री साहब ने दो घंटे का भाषण जिहड़ा दिता उहदे च कल्ली कल्ली गल कई गल्लां तां रिपीट कर करके समझाइया पब्लिक लैंगुएज दे विच बोले सब तो वड्डी गल है कि लोगों नूं समझ आउण वाला बजट सी नहीं तां इदों पहलां आपां जिक्र करदे सीगे कि फलस्तीन दियां गल्लां हुंदियां सी बजट च इजराइल दियां गल्लां हुंदियां सी गाजा पट्टी दियां फ्रांस की क्रांति दियां अलामा इकबाल दियां मिर्जा गालिब दियां सानूं तां समझ ही नहीं आउंदियां सी समझ ही नहीं आउंदियां सी जी ट्रेनिंग मेरी नहीं सी जी ट्रेनिंग नीले वाले पासों हुई फिर पीले वाले पासे आए फिर चिट्टे रहे अजकल भगवे ने पार्टियां कई बदलियां शेर उही ने सो इस तो पहला वाले बजट नौ बजट पेश कर गया जी एक बंदा कांग्रेस वाले बजट से बोलते मैं तरस आई जाता इन्हें तुम तो बजट पेश किया ही नहीं पांच साल तुम तो डेपूटेशन से लियाए थे एक वित्त मंत्री वो पांच बजट पेश करके हो गया पंगा थोनू पा के दे जाओ जवाब हूँ बथेरा राजा अपने पिटिया ना दो इन्हों मने ही नहीं कहे दी बथेरा कहा सुखविंदर ने अभी होने असी टकसालिया वो टकसालिया मने ही नहीं सो हुण तुहाडे तो गल पै गया जी तुहाडे तो तुसीं तां हुण मतलब छड़ते इस गल ते भाई लांबे लई जाओ की करिए सो मैं अज मैं सुनता सी मैं पुराना पा लिया मैं कहा भी कोई बजट दे विच उहनां दे बजट दी स्पीच भी सुनी मैं वो शुरू ही लहू तो करते पंजाब की धरती लहू चाहती है लहू कितने चाहती है जी ये लहू ना लिखण वाले लफज है कितों लहू ना लिखिए बथेरा लहू बह लिया पंजाब जी कोई बजट की गल करो एदू पहला वाला बजट ये बड़ा सौखा बजट है जी सीधा जिहा बजट है जी 26% वाधा है जी बजट च लगभग 2 लाख करोड़ के नेड़े लै गए 20% वाधा खेती के बजट च है जी 12% वाधा सिक्ख्या के बजट च है जी 42% वाधा ट्रांसपोर्ट के बजट है जी 36% वाधा रोजगार से स्किल डिवेलपमेंट है जी 11% वाधा सेहत ते परिवार भलाई मेन दस रहे बाकी सारा चीमा साहब ने दसता लोगों ने आ जिहड़ा फिजिकल डेफिसिट आ जिहड़ा पर कैपिटा ये लोगों नाल तुसीं गल करके देखो अद्धा घंटा बोली जाए अद्धे घंटे बाद लोग कहेंगे आ जो बोल लिया ठीक है मैनू ये दस मैनू दिहाड़ी मिल जू कल कोई चीज़ा महंगिया तो नहीं होणगियां बिल्कुल ठीक लोगों की भाषा च क्यों नहीं बोलते जी जो लोगों को समझ आए ऐ बजट लोगों का है ये बजट आम लोगों का आ फर्क है बस आम लोगों का बजट है और बीजेपी वाले चले गए अश्विनी जी वो कहते सी नाले ते सेंटर निंदते हो
ते नाले सेंटर तो मंगदे आ स्पीकर साहब भीख मंगदे आ हक मंगदे आ सेंटर का फर्ज है बिना मंगे दे दे GST असी इकट्ठी करके दिने उस सारा अमला साडा है साढ़े GST के अफसर जोड़े साढ़े GST के मुलाजम जोड़े ने वो पैसे इकट्ठे करके देंगे सेंटर नू बाद कहने साडा हिस्सा दे दो कृपा करके ये केड़ा कानून है जी हजे तक GST समझ नहीं आई व्यापारियों व्यापारियों GST समझ नहीं आई जी की होंगी है काते लगती है ये तो GST गल है कि एक टीचर ने पूछा कि बच्चे नू कहिंदा निम दे दरख्त नू जिहड़े दो केले लगे जदों नींबू पक्के तां जिहड़ा खरबूजा डिग गया तां थल्ले बेर किन्ने सी ये GST है GST है हैगा निम लगे केले ने डिगे खरबूजे ने समझ ही नहीं आ रही जी किसी नू अद्धी रात नू GST पेश करता नोटबंदी करती BJP वाले सानू समझाउंदे आ असी बिजली का बिल अरविंद केजरीवाल ने बिजली का बिल दिल्ली च फ्री करता इलाज बिल्कुल मुफ्त करता पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है तो क्वालिटी दी है तो की कहने होंगे ने अजकल बड़े साहब फ्री की रेवड़ी बांटने वाले हैं फ्री की रेवड़ी बांटते हैं वो लोगों की टैक्स के पैसे नाल उन्होंने बिजली फ्री देनी उन्होंने सिक्ख्या फ्री देनी उन्हों का इलाज फ्री करवाना जेड़े 300 करोड़ च बनते सी ओवरब्रिज 150 करोड़ च बनाने ये फ्री की रेवड़ी है तो जे ये फ्री की रेवड़ी है स्पीकर साहब फिर मैं वो बड़े साहब नूं पुछना चाहुंना फिर 15 लाख वाला पापड़ किने बेचिया सी कि थोड़े हरेक के खाते 15 लाख आजूगा 2 करोड़ नौकरियां पैदा करा करेंगे सारे ज मैनू किसी ने भेजा व्हाट्सएप ते वो कहिंदे वी बड़े साहब कहिंदे ने कि मैं जदों छोटा हुंदा सी मैं रेल दे डब्बे च चाह बेचता हुंदा सी ते जदों मैं बड़ा होया मैं रेल दे डब्बे ही बेचता रेल बेचती तेल बेचता एयरपोर्ट बेचते बैंकां बेचतियां LIC बेचती सारा कुछ बेचता खरीदया की है थोड़ा जिहा मीडिया वह खरीदया वह लग जांदे शाम शाम नूं 6 बजे बस नतीजे त्रिपुरा दे दिखाउणगे नतीजे नागालैंड के दिखाउणगे जिहड़े 22 इलैक्शन च हारे ने कदे नहीं दिखाउंदे सो एक ए 1 वे चल रहा है जी।